नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सीरीज में ये चौथी वीडियो है। उम्मीद करता है पहले तीन वीडियोस आप देख चुके होंगे, नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिए फिर कंटिन्यू कीजिए। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ द गवर्नेंस: गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, रूल ऑफ लॉ, रेगुलेटरी क्वालिटी, इंटरैक्टिव डेटा एक्सेस। विच ऑफ द डायमेंशंस आर द पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक? तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो है वो इंक्लूडेड है डायमेंशंस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3 करेक्ट आंसर है। द वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एग्रीगेट द इंडिविजुअल गवर्नेंस इंडिकेटर्स फॉर ओवर 200 कंट्रीज एंड टेरिटरीज ओवर द पीरियड ऑफ 1996 टू 2001 में फॉर सिक्स डायमेंशन ऑफ द गवर्नेंस। कौन कौन से डायमेंशन? पहला है वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन एब्सेंस ऑफ वायलेंस और टेररिज्म। थर्ड है गवर्नेंस, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस। फोर्थ, रेगुलेटरी क्वालिटी, रूल ऑफ लॉ एंड कंट्रोल ऑफ करप्शन। तो ये सिक्स डायमेंशन है जिसपे ये वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर रिपोर्ट बनाई गई है। दिस एग्रीगेट इंडिकेटर्स कंबाइन द व्यू। तो ये व्यूज कौन कौन देते हैं? इसमें लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस, सिटीजन्स, एक्सपर्ट्स, सर्वे रेस्पोंडेंट्स इन इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग कंट्रीज में। तो इस बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: कोऑपरेटिव्स आर कवर्ड अंडर द यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे कम अंडर द यूनियन गवर्नमेंट ज्यूरिसडिक्शन। तो यूनियन लिस्ट नहीं आते, ये स्टेट लिस्ट में आता है। दे आर फॉर्म्ड एट द ग्रास रूट लेवल बाई पीपल टू हार्नेस द पावर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन द मार्केट प्लेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू ओनली लोकसभा रेफर्ड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। कोऑपरेटिव जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं हुज मेंबर्स एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन आर स्प्रेड अक्रॉस मोर देन वन स्टेट, या नेशनल लेवल पे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मोस्ट ऑफ द सुगर मिल्स जो है अलॉन्ग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र बॉर्डर प्रोक्योर केन फ्रॉम द बोथ स्टेट्स। सिमिलरली बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जैसे कि अमूल हो गया या नंदिनी ब्रांड हो गया, वो भी मल्टी स्टेट्स में ऑपरेशंस उनके होते हैं। कोऑपरेटिव्स आर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड एट द ग्रास रूट लेवल बाय पीपल टू हार्नेस कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर इन द मार्केट प्लेस। मतलब इंडिविजुअल के पास बार्गेनिंग पावर जो होती है बहुत लेस होती है, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ पीपल या एक कोऑपरेटिव या सोसाइटी, उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए बेटर होती है। इन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव डेयरीज, सुगर मिल्स, स्पिनिंग मिल्स आर फॉर्म्ड विद द पूल्ड रिसोर्सेज ऑफ द फार्मर्स हु विश टू प्रोसेस देयर प्रोड्यूस। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है अमूल कोऑपरेटिव्स। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव्स हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स आर्टिकल्स एंड स्टेट में, एंड हमें बताना है कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो 371A जो आर्टिकल है वो असम का नहीं है, वो नागालैंड का है, तो ये गलत है। 371C जो है वो मणिपुर का है। 371E नागालैंड का नहीं है, वो आंध्र प्रदेश का, तो ये भी गलत है। 371G मिजोरम का है, तो ये सही है। तो ओनली टू पेयर्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं जिसमें स्पेशल प्रोविजन हर स्टेट के रेस्पेक्ट में है। जैसे 370 आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन के लिए था, स्पेशल प्रोविजन था। उसी साथ साथ में 371 जो है वो महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए, 371A जो है वो नागालैंड के लिए, बी जो है असम के लिए, सी मणिपुर के लिए, डी तेलंगाना, ई आंध्र प्रदेश, एफ सिक्किम, जी मिजोरम, एच आंध्र प्रदेश सॉरी अरुणाचल प्रदेश, आई जो है वो गोवा के लिए है, एंड जे जो है वो कर्नाटक के लिए है। ठीक है, तो ये सब प्रोविजंस
आपको याद करने हैं आर्टिकल्स नंबर, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील्स विद द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, तो कौन सा है? 120, 124A, 124, 122। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 124A जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो 124A सेक्शन डिफाइंस करता सेडिशन हूएवर बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टू विच फाइन मे बी एडेड। मैक्सिमम जो प्रावधान है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, साथ ही साथ में फाइन लगाई जा सकती है। तो ये कलोनियल लॉ है सेडिशन का। तो द प्रोविजंस आल्सो कंटेन्स थ्री एक्सप्लेनेशन। द एक्सप्रेशन ऑफ डिसअफेक्शंस इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी। ये गवर्नमेंट या कोई भी सरकार के लिए हो सकती है। कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोवेशन ऑफ द मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग देयर ऑल्टरेशन बाय लॉफुल मीन्स विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट हेट्रेड कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द सेक्शन। तो अगर आप पीसफुल मैनर में कोई भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो सेडिशन के अंडर नहीं आएगा। फिर कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोवेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट हेट्रेड, जैसे बहुत बार हुआ था फार्मर्स बिल्स को लेकर या CAA को लेकर, जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे उनके खिलाफ कोई भी सेडिशन चार्जेस नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसे NCBC कहा जाता है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर These are correct. The chairperson shall be appointed from amongst the eminent socio-political workers belonging to the socially and educationally backward classes. ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। The member shall be eligible for appointment for any number of terms, नहीं होता, सिर्फ टू टाइम्स ही और दो टर्म्स ही हो सकते हैं अपॉइंटमेंट। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है। जस्टिस रोहिणी कमीशन वॉज फॉर्म टू एग्जामिन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये बिल्कुल सही है, जिसमें क्रीमियर नॉन क्रीमिलियर कैटेगराइज किया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 एंड 4 ओनली। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस NCBC जो कंस्टिट्यूट किया गया था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द NCBC एक्ट ऑफ 1993 में, फिर इसे 2018 में रिपील भी कर लिया गया था NCBC फॉर रिपील एक्ट के द्वारा। और जो प्रेजेंट कमीशन है, 8th कमीशन है, अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द NCBC बाय द 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 में, वेयर आर्टिकल 338B हैव बीन इंसर्टेड फॉर्मिंग अ कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस टू बी नोन एज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, द कमीशन कंसिस्ट में, कमीशन में कौन कौन से होते हैं? चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 अन्य मेंबर्स होते हैं। और इनका जो कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर है वो नोटिफाई किया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू। ठीक है, जो चेयरपर्सन होगा एक एमिनेंट सोशियो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी होना चाहिए जो कि सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लास से होने चाहिए। साथ ही साथ में जो वाइस चेयरपर्सन है एंड द मेंबर्स आउट ऑफ होम एटलीस्ट 2 शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स द पर्सन बिलोंगिंग टू द सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो टोटल तो 5 मेंबर्स होते हैं, 5 में से जो 4 मेंबर्स है, 3 मेंबर्स प्लस 1 वाइस चेयरपर्सन, उनमें से 2 एटलीस्ट बैकवर्ड क्लासेस होने चाहिए और जो 3 मेंबर्स हैं उनमें से 1 जो होने चाहिए वो वेमेन भी होनी चाहिए। तो ये सब क्राइटेरियाज हैं। एवरी मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स, मेंबर्स के लिए टर्म जो है 3 ईयर्स है। एंड द मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट मोर देन 2 ईयर्स, 2 टर्म्स से ज्यादा नहीं हो सकता है। द सेंटर एक्सटेंडेड द टेन्योर फॉर कमीशन टू एग्जामाइन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस हेडेड बाई द जस्टिस जी रोहिणी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द
ninth schedule. It contains a list of central and state laws that cannot be challenged in the court on violation of the fundamental rights. ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है. The schedule became part of the constitution by the first amendment. ये भी बिल्कुल सही है. Most of the laws protected under the schedule, that is ninth schedule, concerns agriculture and land issues. तो ये भी सही है. तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा. 1, 2, 3. The ninth schedule contains list of central and state laws which cannot be challenged in the court. Currently, as a 284 such laws are that have been scheduled from the shielded from the judicial review mein. और नाइन्थ शेड्यूल ऐड किया गया था पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1951 बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट में, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. इट वाज क्रिएटेड बाय द न्यू आर्टिकल 31B अलोंग विद 31A वाज ब्रॉट इन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट लॉज रिलेटेड टू एग्रेरियन रिफॉर्म्स एंड फॉर अबॉलिशिंग द जमींदारी सिस्टम्स के लिए था ये 31B एंड A. और एक फेमस केस था तमिलनाडु में चैलेंज हुई थी 2007 IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. द सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था इन अनानिमस 9-judge verdict that while laws placed under the ninth schedule cannot be challenged on the ground of violation of the fundamental rights. Fundamental rights मौलिक अधिकार के खनन पे हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते, बट दे कैन बी चैलेंज्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस किए, वो देख लीजिएगा. द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट लॉज कैनॉट एस्केप द बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट इफ इंसर्टेड इनटू द नाइन्थ शेड्यूल आफ्टर 1973, जो केशवानंद भारती वाले केस था. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. विथ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द मेजॉरिटी वर्डिक्ट बाई ए लार्जर बेंच विल प्रिवेल ओवर इवन एन अनएनिमस डिसीजन बाई ए बेंच ऑफ लेसर स्ट्रेंथ. तो ये स्टेटमेंट सही है. द नंबर ऑफ जजेस कंस्टिट्यूटिंग द मेजोरिटी ऑफ द लार्जर बेंच शुड ऑलवेज बी मोर देन द नंबर ऑफ जजेस ऑन द स्मॉलर बेंच. तो जरूरी नहीं है ऐसा हो. एग्जाम्पल से हम समझेंगे. तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द मेजोरिटी वर्डिक्ट बाई अ लार्जर बेंच will prevail over even an unanimous decision by a bench of lesser strength. इसका मतलब क्या है? For example, एक 7-judge bench है जिसमें 4:3 ruling by the court will prevail over an unanimous 5-judge bench verdict. ठीक है, तो यहाँ पर 5-0 है, यहाँ पर 4-3 है, लेकिन यहाँ पर जो बेंच की स्ट्रेंथ है वो 7 है, यहाँ पर 5 है. तो ये वाले जो वर्डिक्ट होंगे वो प्रिवेल किए जाएंगे, ये कहना है. द कोर्ट सेड इन द व्यू ऑफ आर्टिकल 145 सब क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कंकरेंस ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द जजेस एट द हियरिंग विल बी कंसिडर्ड एज अ जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ जजेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द मेजॉरिटी. ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 4 मेजॉरिटी ने कहा है, लेकिन यहाँ पर अनएनिमस डिसीजन में 5 है. ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे. ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज जिसे रूप्स कहते हैं. दीज आर द पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर द प्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950. तो 1950 नहीं होगा, 1951 होगा. तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. दे आर एलिजिबल टू गेट फ्री ऑथराइजेशन ऑफ फॉर ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट एक्टिविटीज ओवर ऑल इंडिया रेडियो. तो ये फ्री नहीं मिलता है. तो नीदर वन नॉट टू, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज आर द न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज और दोज विच have not secured enough percentage of votes in the assembly or the general election to fulfill the prescribed criteria to become a state party. ठीक है, तो वैसे parties हैं. They are not entitled to exclusive allotment of the reserved election symbol. तो उनको मनचाहा election symbol नहीं मिल सकता. जो free symbols commissions ने बनाए होंगे उसी से ही कुछ choose करना होगा. They are not eligible either to get
free copies of the electoral rolls, free authorization for broadcast telecast facilities over All India Radio and Doordarshan during assembly and general election, and they are not eligible to get subsidized land for the party offices बनाने के लिए भी subsidized land नहीं मिलता है. ये इस context में था question कि 2021 तक 2796 RVPPs in the country increase हो गया है, मतलब an increase of more than 300% since 2001 के respect में. तो इसमें क्या हो रहा था, बहुत सारे financial transaction हो रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा गलत काम के लिए use किया जा रहा था. तो income tax की rate पड़ी थी ऐसे RVPPs parties पे. तो ये question उस context में था. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी. इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस थे, उम्मीद करते हैं बहुत कुछ सीखने मिला होगा. अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. जय हिंद.